जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि एक संगत जी का कहना है कि उनको उनकी फैमिली गुरुजी को मानने नहीं देती, इसलिए ना तो वो भोग लगा पाती हैं और ना ही जोत जला पाती हैं, और उन्होंने गुरुजी का स्वरूप अलमीरा में बंद करके रखा हुआ है। उनको गुरुजी को छुपके से देखना पड़ता है। और ऐसे ही मैं बहुत कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ जिनकी फैमिली गुरुजी को मानने के लिए तैयार नहीं है, पर फैमिली का एक मेंबर गुरुजी को मानता है। तो आज इसी पर बताऊंगी, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरुजी लिखना मत भूलना। संगत जी, सबसे पहले तो यही कहूंगी कि कभी भी गुरुजी के स्वरूप को अलमीरा में बंद नहीं करते। अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही है या आपसे नाराज़ होती है कि आप गुरुजी को मानते हो, तो आप गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने पर्स में रख सकते हो। आपको गुरुजी को छुपकर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पॉकेट स्वरूप भी अपने पास नहीं रख सकते, तो आप गुरुजी को अपने फ़ोन में ही देख सकते हो, उतना ही बहुत है। आपको गुरुजी को छुपकर देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने आपको अपनी संगत बनाया है, तो डरना क्यों है? आप गुरुजी का फ़ोन में मंत्र जाप सुन सकते हो, शब्द गुरबानी सुन सकते हो, भजन, शिव पुराण, कुछ भी सुन सकते हो। उसमें तो आपके पेरेंट्स नहीं डांटेंगे। और रही बात स्वरूप की, आप स्वरूप को फ़ोन में देखकर भी बात कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपके हाथ में स्वरूप होगा तभी आप बात कर पाओगे। इसलिए आपको बिल्कुल डरने की या फिर छुप कर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप रात में सोते हुए अपने फ़ोन में स्वरूप देखते हुए गुरुजी से बातें करो। धीरे धीरे गुरुजी आपकी फैमिली को भी अपनी संगत का हिस्सा बना देंगे। आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। अगर आप जोत नहीं जला पा रहे हो, कोई बात नहीं। अगर आप भोग नहीं लगा पा रहे हो, तो कोई बात नहीं। गुरुजी तो सब जानते हैं आपके बारे में कि आप गुरुजी को मानते हो, लेकिन आपकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही मानने के लिए। गुरुजी आपकी प्रेयर्स को ऐसे भी एक्सेप्ट करेंगे। गुरुजी भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। आपने बस सच्चे मन से गुरुजी को याद करना है, उनका मंत्र जाप सुनना है, उनके भजन, कीर्तन, शब्द गुरबानी कुछ भी सुन सकते हो जैसा आप टाइम निकाल पाओ। गुरुजी हमेशा कहते हैं, कभी किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि उनको मानो या उनकी पूजा करो। अगर हमारी फैमिली नहीं मानती, कोई बात नहीं, कोई टाइम आएगा जब आपकी फैमिली भी मानना शुरू कर देगी। हमारा काम है एक बार बताना, मानना या ना मानना फैमिली वालों की चॉइस है। गुरुजी जल्दी ही आपको आपकी फैमिली के साथ बड़े मंदिर ज़रूर बुलाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये टाइम कैसे निकल गया और इतना बड़ा मिरेकल कैसे हो गया। गुरुजी खुद टाइम डिसाइड करते हैं कब, किसको और कैसे अपना गुरु परिवार का हिस्सा बनाना है। गुरुजी ने हमेशा कहा है कि फैमिली का एक सदस्य भी मुझे मानने लग गया या एक सदस्य भी मेरे मंदिर आ गया, तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस कर देता हूँ। इसलिए अपने परिवार से छुपकर गुरुजी को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप खुशी खुशी गुरुजी को मानिए, गुरुजी का मंत्र जाप सुनिए, ताकि गुरुजी आपकी फैमिली को भी ब्लेस कर दें और आपकी फैमिली को भी जल्दी से जल्दी अपनी संगत का हिस्सा बना दें। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।